फाइनली इंडियन मार्केट पर होंडा CBR 150R आने वाला है, क्योंकि इसकी पेटेंट फाइल हो चुका है एंड बाइक बहुत ही ज्यादा फीचर्स लोडेड होने वाला है। इंडियन मार्केट पर जब यह बाइक आएगा, इससे टक्कर सीधा R15 V4 से होगा, क्योंकि दोनों की कंपैरिजन बिल्कुल सेम टू सेम है। आई थिंक स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन लोडेड बाइक है यामाहा R15 V4, बट तब भी आपको इसको कंपेटिटर दे सकता है होंडा की CBR 150R। सो बात करती है इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। होंडा CBR 150R के अंदर आपको इंजन कैपेबिलिटी का अगर बात किया जाए, आपको यहाँ पर 149.5 cc इंजन, मतलब 150 cc का इंजन आपको मिल जाता है, जो काम करता है 17.1 bhp पावर एंड प्रोड्यूस करता है 14.4 न्यूटन मीटर टॉर्क। अब ये बाइक आता है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व के साथ, 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसकी जो इंजन है वो लिक्विड कूल के ऊपर ही बेस्ड है एंड माइलेज की अगर बात किया जाए, यहाँ पर आपको लगभग लेके 45 से 50 तक माइलेज इजीली मिल जाता है। सो बाइक की जो इंजन कैपेबिलिटी है वो अच्छा है, माइलेज भी अच्छा है। अब बात करते हैं बाइक की जो लाइटिंग सेटअप वगैरह है उसके बारे में। फ्रंट देख सकते हो, फ्रंट बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है एंड फ्रंट की जो हेड लैम्प है आपको LED के साथ दिया जाता है। बाइक पर जितने भी इंडिकेटर टेल लैम्प है वो आपको LED के साथ ही मिलता है। बाइक की जो मीटर कंसोल है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फीचर्स नोटिस कर सकते हो, इसकी जो मीटर कंसोल है यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की फीचर्स आएगा एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर, साइड स्टैंड कटअप सेंसर, फ्यूल मीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टाइम डेट वगैरह सब कुछ रियल टाइम माइलेज आप नोटिस कर सकते हो। अब बात करते हैं इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच के ऑप्शन के साथ साथ क्विक शिफ्टर भी दिया जाता है, जो R15 V4 पर आता है यहाँ पर भी आता है। दोस्तों बात कर लेते हैं टायर साइज के बारे में। 180 सेक्शन का फ्रंट टायर होगा, रियर पर आपको 130x70 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया जाएगा। फ्रंट डिस्प्ले 300mm होगा, रियर पर आपको 230mm के डिस्प्ले ऑफर किया जाएगा। ड्यूल चैनल ABS के साथ ये बाइक इंडियन मार्केट पे लॉन्च होगा। इस बाइक के अंदर आपको USD सस्पेंशन मिलता है, जो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। फ्रंट पर 41mm की USD सस्पेंशन आता है, जो गोल्डन कलर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बाइक की जो कम्फर्ट है वो और भी इंक्रीज करा देता है। रियर पर आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और एक बात, R15 V4 पर आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है, जिससे बाइक की टॉप स्पीड इंक्रीज होता है वेट रिड्यूस होने से। बट यहाँ पर आपको मेटल स्विंग आर्म ऑफर किया जाता है। रियर पर मडगार्ड आपको देखने को मिलता है, रियर की जो टेल है वो आपको LED के साथ ही दिया जाता है। अगर R15 V4 से आप लोग इसका कंपटीशन वीडियो देखना चाहते हो, कमेंट करके बताना, मैं अलग से कंपटीशन वीडियो कंपेयर करके बता दूंगा कौन सी बाइक बेटर है, क्योंकि R15 V4 की जो प्राइस है ना भाई, वो 2 लाख के ऊपर चला जाता है एंड ये होंडा CBR 150R ये जब इंडियन मार्केट पे आएगी सो इसकी प्राइस आई थिंक 1,70,000 होगा। सो 1,70,000 के अंदर आपको इतनी ज्यादा स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, यानी कि ड्यूल चैनल की ABS आपको दिया जाता है, गोल्डन कलर का USD सस्पेंशन, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड बहुत सारे ऑप्शन आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। ये आता है दोस्तों ट्यूब लेटर फ्यूल टैंक के साथ एंड इस बाइक के अंदर आपको 50 तक माइलेज भी ऑफर किया जाता है। सो आप एक बंदे हो, सो आप अगर एक बाइक लेना चाहते हो वो भी स्पोर्ट्स बाइक, सो आपके पास और एक ऑप्शन आ रहा है इंडियन मार्केट पे। सो आप अगर इस बाइक के लिए एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना एंड आप अगर इसके साथ R15 V4 का कंपेरिजन वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।